दोस्तों तो कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जब भी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हम देखते हैं कि नोटिस आपने ज़रूर किया होगा कि उसमें सी नाम से ही पहले से ही ड्राइव रहता है सी, और ए और बी क्यों नहीं रहता है, यही जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप जब भी आप कोई कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं उसमें आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, फिर आप कोई हार्ड डिस्क लेते होंगे, अगर आप उसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं कि हमारे पीसी में सबसे पहले सी से ही विंडो का नाम शुरू होता है, ड्राइव सी से। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आज से बहुत साल पहले जब कंप्यूटर का युग स्टार्ट ही हुआ था तब हमें कंप्यूटर को रन करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती थी जिसका नाम था फ्लॉपी डिस्क। अगर फ्लॉपी डिस्क आपके पास रहेगा तभी आप कंप्यूटर को उस टाइम पर रन कर सकते थे, चला सकते थे या किसी भी तरह का उसमें डेटा स्टोर कर सकते थे। और उस फ्लॉपी डिस्क का साइज लगभग था 1.44 MB, इतनी उसकी कैपेसिटी थी, बस 1.44 MB। इस फ्लॉपी डिस्क को एक ड्राइव की तरह यूज किया गया, क्योंकि ये पहला फ्लॉपी डिस्क था तो इसीलिए इसका नाम ए से असाइन कर दिया गया। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, फिर एक नया कंप्यूटर आया जिसमें आप उसमें दो फ्लॉपी डिस्क एक साथ यूज कर सकते थे, उस दूसरे फ्लॉपी डिस्क का नाम बी से रख दिया गया। इस तरह पहले फ्लॉपी डिस्क का नाम ए रख दिया गया, दूसरे फ्लॉपी डिस्क का नाम बी रख दिया गया। इन फ्लॉपी डिस्क में कुछ लिमिटेशंस थी, आप इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते थे और इसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी नहीं माना जाता था। फ्लॉपी डिस्क की इन्हीं सभी कमियों के कारण एक नया डिस्क आया जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। दोस्तों हार्ड डिस्क में काफ़ी डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं और ये फ्लॉपी डिस्क की तुलना में काफ़ी सिक्योर होता है। जो हार्ड डिस्क आया अब इसके लिए भी कोई एक नाम देना होगा तो इसका नाम सी रख दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पहला फ्लॉपी डिस्क था फ्लॉपी डिस्क 1 और फ्लॉपी डिस्क 2 उसके लिए पहले ही सी नाम रख दिया गया, ए और बी वो पहले से रिजर्व हो चुका है अब, इसलिए तो वो जो नाम है ए और बी अब जो नया वाला हार्ड डिस्क आया उसमें उसको आप दे नहीं सकते तो इसलिए उसका नाम सी रख दिया गया। कि आज के टाइम पे फ्लॉपी डिस्क का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी वो फ्लॉपी डिस्क के लिए वो नाम पहले से रिजर्व्ड है। तो लेकिन अगर आप भी अभी भी सोच रहे हैं कि आप वो जो ड्राइव सी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो आप गलत सोच रहे हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसको मैनुअली ए बी सी कुछ भी डी कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको समझ में आया कि ये जो ड्राइव सी है क्यों रहता है, क्यों है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अभी भी कुछ से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।